दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, निसान मैग्नाइट के बेस मॉडल यानी XE वेरिएंट में टेल गेट ऑटो लॉक नहीं होता है, उसे मैन्युअली ही लॉक और अनलॉक करना पड़ता है, जिसका एक पर्टिकुलर बटन कैबिन के अंदर दिया गया है। लेकिन आजकल कुछ वीडियोज आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि उस बटन को आप 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखो तो ऑटो लॉक ऑन हो जाएगा, जिसकी वजह से टेल गेट जो है वो ऑटो लॉक हो जाएगा, उसको दोबारा आपको लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें कितनी रियलिटी है, आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको लाइव बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है निसान मैग्नाइट का बेस वेरिएंट, जिसको स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पीछे का जो टेल गेट है वो बंद है कि नहीं, क्योंकि वो मैंने सब पहले से ही बंद कर रखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैग्नेटिक बटन दबाने के बाद भी ये ओपन नहीं हो रहा है, यानी कि ये लॉक्ड है। और अब हम अंदर जाके इसको मैन्युअली अनलॉक करेंगे और फिर देखेंगे वो अनलॉक होता है कि नहीं। ये बटन दबा दिया, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हो गेट अनलॉक हो चुका है और गेट ओपन भी हो चुका है, क्योंकि हमने उसको मैन्युअली अनलॉक किया था। अब हम टेल गेट के बटन को 3-4 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे और देखेंगे क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ऑटो लॉक ऑफ का मैसेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने पहले से ही ऑटो लॉक ऑन कर रखा था। अब दोबारा प्रेस करने से ऑटो लॉक ऑफ हो गया है, अब वापस प्रेस करके रखेंगे तो ऑटो लॉक ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब हम पीछे जाके देखेंगे गेट ओपन हो रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, आप साफ साफ देख सकते हो गेट ओपन हो चुका है, हमने ऑटो लॉक ऑन रखा था फिर भी गेट ओपन हो चुका है, जिसे पता चलता है निसान मैग्नाइट ने अपने बेस वेरिएंट में ये वाला फीचर्स नहीं दिया है। बेस वेरिएंट में ये फीचर सिर्फ शो होता है लेकिन फंक्शनल नहीं है, लेकिन ये वाला फीचर्स निसान मैग्नाइट ने अपने टॉप वेरियंट्स में दे रखा है। दोस्तों, सिक्योरिटी के चलते निसान मैग्नाइट ने ये फीचर्स बेस मॉडल में भी देना चाहिए था। अगर आपने बाहर से सेंट्रल लॉकिंग करवा रखा है लेकिन फिर भी अगर टेल गेट बंद करना भूल गए तो आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। दोस्तों, निसान मैग्नाइट लेने के बाद अगर किसी चीज़ ने मुझे डिसअपॉइंट किया है तो एक यही चीज़ थी। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताना।